दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला में आज वेरी नाग महोत्सव का आयोजन किया गया। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया, तो वहीं यह उत्सव जिला प्रशासन अनंतनाग और पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर का एक सहयोगी प्रयास था। उत्सव का आयोजन मुगल गार्डन में किया गया, जो दक्षिण कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध है और सर्दियों के मौसम में हमेशा ही अच्छे पर्यटकों को आकर्षित करता है। उत्सव का उद्घाटन उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने किया। बाद में जिला विकास आयुक्त अनंतनाग ने उन स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिन पर विभिन्न विभागों ने अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया था। साथ ही इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। इस अवसर पर अनंतनाग के SDM दोरू जी आर वानी, नगर पालिका समिति दोरू के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल आहंगर, वेरीनाग विकास प्राधिकरण के CEO रोमन शेख के अलावा स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्सव में भाग लिया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने यहाँ पे वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में आज यहाँ पे लाया है। और सरकार की यही कोशिश है कि हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट जो है विंटर्स रहे। और वहाँ पहलगाम के साथ साथ हमारे जितने और डेस्टिनेशन हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे आज यहाँ वेरीनाग, रुकरनाग या आप भी डेस्टिनेशन हैं, उसमें यहाँ भी जो हमारे टूरिस्ट हैं वो विंटर्स में उनका भी यहाँ पे आए, उनका भी यहाँ भी फुटफॉल बढ़े। और हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, होटलियर्स हैं या फिर होम स्टेज हैं या बाकी तरह की सर्विसेज हैं, उनको भी हम इसमें मेन स्टेक होल्डर मानते हुए उनका भी कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं। और ये हम सबका ही एक फेस्टिवल है, सिर्फ डिपार्टमेंट का या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं है। इसमें जिस तरह से आज हम यहाँ पे जमा हुए, एक बहुत ही खुश आयन शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते रहेंगे और हम सभी स्टेक होल्डर जो एक वाइब्रेंट विंटर्स जो हमें यहाँ पे दिखाने हैं या करने हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। सर, उसमें मैं यही चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे हमें कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं वो भी फिल करने हैं, उसमें हमारे चाहे वो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से या इवन जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जितने हम अच्छी तरह से अपने जो टूरिस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सर्विसेज देंगे, कंफर्टेबल रखेंगे और वो आएंगे। रिप्रेजेंट होने के चलते मैं वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया। हमें उम्मीद है कि इस तरीके से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी हद तक बूस्ट होगा। उसके साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये न सिर्फ विंटर्स में ही यहाँ पे ये फेस्टिवल किया जाए, बल्कि समर जितने भी मौसम बाकी है, चाहे वो फॉल है विंटर है, हर एक मौसम में यहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और बाकी जो गैर मुल्की सयाह है उनको यहाँ पे फुटफॉल जो है वेरीनाग का वो बढ़ाना चाहिए और ये फेस्टिवल हर साल बनाने चाहिए। दी अर्थ न्यूज डेस्क के लिए अनंतनाग से शाहीलाल की रिपोर्ट।